हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमको हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो हम हिंदी भाषा में बोलेंगे, अगर इंग्लिश भाषा में बोलना है तो इंग्लिश भाषा में बोलेंगे, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो हम अपनी भाषा में समझ के साथ बोलेंगे। लेकिन हमने मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर द प्रिविलेज ऑफ प्रेयर and the ability to see the right vision who I am in Christ. My path is illuminated with endless possibilities. I see that I'm righteous, holy, and perfected in Christ and beloved of Him. What a blessing it is to see that I am the carrier as well as the effulgence of Your glory and the dispenser of Your grace, mercies, goodness and salvation to my world. Hallelujah. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस आदर के लिए जो प्रार्थना करने का मुझे दिया गया है, और उस कुवत के लिए जो मुझे देखने के लिए सही दर्शन कि मैं मसीह में कौन हूँ। मैं अपने मार्ग को उज्ज्वलित होता हुआ देखता हूँ, असीम संभवताओं के साथ। मैं देखता हूँ कि मैं धर्मी, पवित्र और मसीह में सिद्ध किया गया हूँ, और मैं उसका बेहद प्रिय जन हूँ। कैसा ही बड़ा अद्भुत आशीष यह है देखने के लिए कि मैं लिए हुए चल रहा हूँ इन आशीषों को मेरे अंदर से, और मेरे अंदर से उसको परमेश्वर की महिमा के रूप में लेकर फैलाता भी जा रहा हूँ, और उसका अनुग्रह बांटता जा रहा हूँ, उसकी दया, भलाई और उद्धार मेरे जगत में। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है, आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, जोयल 2:28-29, सेकेंड क्रॉनिकल्स 26:5, जॉन 16:13-14। आज मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन है, योयल नबी की पुस्तक 2:28-29, दूसरे इतिहास की पुस्तक 26:5, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:13-14। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रिदान इसासी आखुम लगा रहा सा जिदिर एलेले कैसे खतकिन बा आशकर खतीन रुबानता आसा जदीन इकियाल रहा अखतकिन ब ओसियाल रहा रदीन इकल अहम ब ओशकर खतीन रिहल रहा सा जिहत कुन ब आसिया सुख ब रुखुल रहा सिया से जदीन इकेम ओखल रहा हदेतकिन ब रुखुल रहा सा रदीन इखाल रुबांत इखेल रुबा खा सियान दुखुम ब ओसूल रहा सा जोयल 2:28-29 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से।
Joel 2 chapter 28-29 verse, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit." और एक बार पढ़ेंगे जोयल 2 चैप्टर 28-29 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से. "एंड इट शैल कम टू पास आफ्टरवर्ड दैट आई विल पोर आउट माय स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश एंड योर सन्स एंड योर डॉटर्स शैल प्रोफेसाई योर ओल्ड मैन शैल ड्रीम ड्रीम्स योर यंग मैन शैल सी विशंस एंड ऑल्सो अपॉन द सर्वेंट्स एंड अपॉन द हैंडमेड्स इन दोज डेज विल आई पोर आउट माय स्पिरिट." इन्हीं वचनों को हम DSI बाइबल में से पढ़ेंगे. रेजेजिकिम ओला रहा असेस्किन बा अश्कर खतीन रेदा लरबाह का सियांदुरो रेदेन एकिया लोरबोह ओखो सी हिजेस्किन बा आसियांतु कुंब ओसो. योयल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 28-29 वचन हम पढ़ेंगे कि हिंदी में BSI बाइबल में से. "उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा अपना आत्मा उंडेलूंगा तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा." और एक बार पढ़ेंगे योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28-29 वचन BSI बाइबल में से. "उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा." 2 Chronicles 26 chapter 5 verse, "Zidil ekambor kolaraha akase hikatkin ba ashkar khatin rabanta asa zidil elelekese aziskin ba ashkar kasi antike barakasi anduro ridan ikialar baha akase zetkin ba asiakum lagarahasa." 2 Chronicles 26 chapter 5 verse. हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से. "लहक तो लरा ससी आंदुको बुरकोसा जेदेन इजेस्किन बा असियाखुम लगा रहा सा." 26 चैप्टर 5 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे. "एंड ही साउट गॉड इन द डेज ऑफ जेकारिया हु हैड अंडरस्टैंडिंग इन द विशंस ऑफ गॉड एंड एज लॉन्ग एज ही साउट द लॉर्ड गॉड मेड हिम टू प्रॉस्पर." और एक बार पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स 26 चैप्टर 5 वर्स. "एंड ही साउट गॉड इन द डेज ऑफ जेकारिया हु हैड अंडरस्टैंडिंग इन द विशंस ऑफ गॉड एंड एज लॉन्ग एज ही साउट द लॉर्ड गॉड मेड हिम टू प्रॉस्पर." इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 26 अध्याय का 5 वचन. दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय का 5 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. "जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विशेष समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी." और एक बार पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय के 5 वचन BSI बाइबल में से. "जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी." थैंक यू जीसस. हम पढ़ेंगे जॉन 16 चैप्टर 13-14 वर्स.
किंग्स जेम्स वर्षन में से पढ़ेंगे। जिहास कुल बराखा से खेल रबाहा अखत किन बा ओशकर खतीन रुबानता आसा जदीन इखिया लरो बहो उखत किन बराखा लरा आसीसी खेल रबियान तुरो रिदेन इखिम उखल लरहा अखत किन बा अखिया सुखम बरो हुस्सा जैद किन बा आसियास खुन बा आसियास खुल रहांत आसे लरबाहन सरा तहद इहिल लरबाहा खासा। जॉन 16 चैप्टर 13-14 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। हाउ बीट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज कम ही विल गाइड यू इन टू ऑल ट्रूथ फॉर ही शाल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ बट वॉट सो एवर ही शाल हियर दैट शाल ही स्पीक एंड ही विल शिव यू थिंग्स टू कम ही शाल ग्लोरीफाई मी फॉर ही शाल रिसीव ऑफ माइन एंड शाल शिव इट अन टू यू। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन्स गॉस्पल 16 चैप्टर 13-14 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। हाउ बीट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज कम ही विल गाइड यू इन टू ऑल ट्रूथ फॉर ही शाल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ बट वॉट सो एवर ही शाल हियर दैट शाल ही स्पीक एंड ही विल शिव यू थिंग्स टू कम ही शाल ग्लोरीफाई मी फॉर ही शाल रिसीव ऑफ माइन एंड शाल शिव इट अन टू यू। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे पीएसआई बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13-14 वचन हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13-14 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13-14 वचन हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थैंक यू जीसस। शाबियान तुखम लगेरे बेकसी अजीज किन बा असियास खुन ब रहासा जहद किन बा अशकर खतीन इल आह बा कतीन रहला बा कसी हां तुको ब ओसो जदीन इकम ओकम और ओको ल रहा अखात किन बा अशकर खतीन रबांत आसा लाद उन आरी इखेलर बहो बो कसी इकेस की बुरो हुस्सा रदीन इकब ओकशकर खतीन रहल बा कसे हिकत किन बा असियान तुखम बासा लहग दोन रहा अदे दीन न महंत आसी के तीन शखल राहासी अहजगिन बोहल्ला लाहकासी हिजेस्किन बाशा लाहजो ओको बोतान इल्ला बहाकासी अहगतिन रल्ला बहाकासा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम पर किया हुआ अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करने का हमें परमेश्वर मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक चाल चलन में से हमने आपकी कुवत को प्राप्त किया और हमने आपको प्रदर्शित किया इस जगत के अंदर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के शुरुआत से लेकर अंत तक आपने हमारे साथ दिए। हर जगह जमीन, हर एक रगड़े झगड़े, हर प्रकार के फेलियर्स, डिप्रेशन, हर प्रकार की निगेटिविटी, जहाँ कहीं पर भी खुदा परमेश्वर हमको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था, जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था और हमें कुछ भी नहीं
कितना ही बाकी रहा था। ऐसे समयों में भी परमेश्वर पिता हमने आपके महिमा को देखा और हमने आपके महिमा के कामों को करने की कुवत को पाया। हम उन बातों को याद करते हैं खुदा परमेश्वर जब हमारा हियाव टूट गया था और जहाँ पर पिता परमेश्वर हमें पिता हियाव देने वाला कोई बाकी नहीं था, उस जगह में भी पिता परमेश्वर हम देखते हैं कि हमने आपकी कुवत को प्राप्त किया और हमने अपना हियाव बढ़ाया और आपके कामों को पूरा किया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, असंभव होता हुआ देखते थे और तब परमेश्वर पिता तू हमें तसल्ली दिया और हमें संभव करके उसे परिवर्तित करके हमें दे दिया। धन्यवाद करते हैं तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, हमें कभी नहीं त्यागा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम थैंक यू कहते हैं पिता परमेश्वर कि ये 2021 इतना सुंदर और पवित्र और सामर्थ के साथ पिता तेरे महिमा के कामों को भर भर कर तूने हमें दिया और हमारा जीवन तृप्त किया। तुझे धन्यवाद करते हैं हमने पिता परमेश्वर पिता तेरे पंखों के ऊपर पिता परमेश्वर अपने टेक लिए और पिता परमेश्वर हमें कोई हानि पहुंचने नहीं दिया। तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारा आश्रय स्थान बना, तू हमारा आदर करने वाला योग्य परमेश्वर बना और हमारे हर एक उन्नति का तूने ख्याल रखा। तूने हमें गिरते हुए हालतों में से निकालकर ऊंचाई पर ले लिया। तूने हमें पिता परमेश्वर कोई एरिया ऑफ लाइफ में रुकने नहीं दिया बल्कि हमको और ज़्यादा बढ़ाया और ज़्यादा हमारे पिता फैलाव को तूने किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम हाँ और ना में ना रहने वाला अभिषेक तूने हमें किया, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ रिबांत आशकर खतीन इराहल रबहा का सियान दुरा हसा, मेरे पिता हम जितना प्रार्थना किया उससे ज़्यादा तूने हमें दिया है खुदा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें अगुवाई किया तूने तेरे आत्मा के द्वारा, हमें धर्म और प्रेम और न्याय और सच्चाई के मार्ग से तूने हमें चलाया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे ज्ञान बुद्धि और समझ की गहरी बातों में तूने हमें उन्नति कराया, हमारे अंदर का भेद महत्व और परमेश्वर हमारे सारे कामों का पिता, सफल होने का रास्ता, सब कुछ का पिता तूने हमें पूरी मात्रा में दिया और परमेश्वर हमें उसमें बिठाया जहाँ पर हमको होना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, ना बल से ना ताकत से पर तेरे आत्मा ही के द्वारा हमने 2021 को पूरा होता हुआ देखा है। हम धन्यवाद करते हैं इस महान बात के लिए खुदा, इस महान समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अबा फादर गॉड, हम उन परमेश्वर पिता उन बातों को याद करते हैं तेरे स्वर्ग के सेना परमेश्वर हमें बैकिंग करती है। हम उन समयों को याद करते हैं तेरा स्वर्ग का परमेश्वर हर एक बात तो हम तक पहुंचने की पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे काम कर रहा था। थैंक यू अबा फादर गॉड, तूने ज़रा भी पिता हमें तुझ से अलग होने नहीं दिया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। रबांत ईसा ओखम्ब ओगा लराहा अकासी, हमें तूने गहराई से बता दिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम धन्यवाद करते हैं इस आत्मा के अंदर तूने परमेश्वर अपना स्थान परमेश्वर हमें दिखाया और पिता परमेश्वर तूने अपने स्थान में परमेश्वर अपने सारी योजनाओं को बिठाकर उस योजना के अंदर से तूने हमको चलाया। हम उस बात के लिए, उस महान तेरे पराक्रमी कामों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, ना बल से ना ताकत से पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हमने ये समय को पूरा होता हुआ देखा है। हम धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड, हम पिता परमेश्वर हमने सब कुछ जो इस साल में देखा है वह सब कुछ के अंदर पिता हम पिता परमेश्वर इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि हमने शरीर में रोकने वाले वस्तुओं को पार किए हैं खुदा। हम परमेश्वर शरीर के द्वारा इतने सारे रोकने वाले बातें हो चुकी लेकिन मेरे खुदा हम उसे कुचल कर आगे निकल गए। उस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता।
मेरे पिता, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई शस्त्र, ना कोई हथियार, मेरे खुदा ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा जो हमारा पीछा करता हुआ ना आया हो। सब कुछ ने पिता परमेश्वर हमारा पीछा किया, और फिर भी खुदा परमेश्वर तूने अपना अनुग्रह बढ़ाकर पिता हमें आज के समय तक पहुंचाया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। ऐसे कोई पिता आंधी और तूफान और विपत्ति परमेश्वर पिता जो पिता परमेश्वर हम पिता पार नहीं कर पाएंगे, ऐसे अवस्था में तूने हमें नहीं छोड़ा खुदा। हम सब कुछ पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं खुदा। अब फादर गॉड उस पार करने वाले कुवत को देख कर पिता हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा। वी थैंक यू आबा, वी थैंक यू जीसस। हम सब कुछ पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं खुदा, और हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है जो हमें बल देता है, जो हमें ताकत देता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। रबांत अकासी खेल रबाह अकासियान तुखम आसील रबाह कासा। मेरे खुदा परमेश्वर तूने हमें चौखट दिया, तूने हमें फ्रेम दिया खुदा परमेश्वर, तूने हमें स्ट्रक्चर दिया मेरे खुदा परमेश्वर, जिसके अंदर पिता परमेश्वर हमने सब कुछ इतना सुहाना पाया है खुदा परमेश्वर पिता, इतना सुंदरता पाया है कि उसके अंदर की सारी भलाइयों को देख कर हम आनंदित हो उठे और हम तृप्त हो गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। रबांत इखा बरोखो सिहात कुन बराहासा। तूने हमारे बाउंड्रीज को सेट किया है मेरे परमेश्वर, तूने हमारे फेंसिंग्स को सेट किया है मेरे परमेश्वर, तूने हमारे लिमिटेशंस को सेट किया है मेरे परमेश्वर, और उसके अंदर हमें तूने खूबसूरत का परमेश्वर पूरा हर तरफ से पिता परमेश्वर ब्यूटिफुलनेस पिता तूने इस 2021 में हमको दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर हम सब बातों के ऊपर चढ़कर पिता हम आज तुझे धन्यवाद देने का समय को भी प्राप्त किए। हम धन्यवाद करते हैं यहवे परमेश्वर पिता, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हमने ये सब कुछ प्राप्त किया है। मेरे आबा फादर गॉड हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी, यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और वो बादशाहों का बादशाह है खुदा परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हम अपने घुटनों को टेक देते हैं और अपने हाथों को उठाते हैं और हम कबूल करते हैं पिता परमेश्वर कि तू ही एकमात्र प्रभुओं का प्रभु है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा बादशाह है। अब फादर गॉड हमने पिता परमेश्वर जहाँ तेरे नाम को लिया वहाँ पर वो जमीन पिता तेरे पवित्रता से भर चुकी है। ये घर, ये परिवार, ये जगह, ये जमीन और हमारा सब कुछ पिता तेरे पवित्रताई में भर चुका है खुदा, क्योंकि जहां तेरे नाम से घुटना टेका जाता है वह जमीन तेरे पवित्रताई के लिए ले ली जाती है मेरे पिता। हम सब कुछ तेरे पवित्रताई के लिए समर्पित है खुदा परमेश्वर, और हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। ये घर सुंदरता से और तेरे परिपूर्णता के लिए तैयार किया गया है खुदा। अब फादर इसके अंदर कोई शैतान के आत्मा के काम पिता परमेश्वर जहां कहीं से भी खुदा परमेश्वर आने की कोशिश करेंगे, सेट होने की कोशिश करेंगे, ये बड़े परमेश्वर पिता बड़े मात्रा के हानि का शिकार हो जाएंगे वो सब कुछ पिता परमेश्वर, और पिता उनके सारे काम असफल करके उथल पुथल करके खुदा परमेश्वर उनको तो लज्जित और फज्जित कर देगा। इस बात का परमेश्वर हमें अनुभव आ चुका है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। इस घर की रौनक कोई पिता अंधेरे में बदल नहीं पाएगा। अब फादर गॉड इस घर के चार दिशाएं कोई अंधेरे के अंदर बंद करके नहीं रख पाएगा। इस घर के शहर पनाह को कोई गिरा नहीं पाएगा। इस घर के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह का नाम रोपा गया है, ये नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। अब फादर गॉड चाहे चाहे अंजीर के पेड़ में पिता फल आए या ना आए मेरे पिता परमेश्वर, चाहे भेड़शाला में भेड़ रहे या ना रहे मेरे खुदा परमेश्वर, फिर भी हम तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। अब फादर गॉड हमारी रौनक वही है खुदा, और वह असली रौनक है हमारी, और वह असली चमक है हमारी जो इस घर के अंदर मौजूद है खुदा। इसके लिए खुदा अंधेरा हम प्रबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अंधेरा कभी भी उजियाले के ऊपर प्रबल नहीं हो पाया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा हर झूठ की ताकत
टूटती है जब यीशु मसीह के नाम का परमेश्वर इस घर के अंदर ऊंचा किया जाता है और पिता परमेश्वर की महिमा इस घर के अंदर होती है। मेरे खुदा परमेश्वर, दुख और कष्टी लोगों के लिए पिता प्रार्थनाएं होती है और पिता परमेश्वर जकड़ों में बंधे लोगों के लिए पिता यहां से पिता छुटकारे के लिए पिता तुझसे मांगा जाता है और चंगाई के लिए पिता यहां से घोषणाएं की जाती है। अब फादर गॉड, यहां से पिता परमेश्वर तेरी सफलता, समृद्धि, संपन्नता को पिता हम डिक्लेयर करते हैं। अब फादर गॉड, ये जमीन तूने परमेश्वर शुद्ध ठहराई है खुदा, और तेरी आवाज परमेश्वर इस घर के लिए तूने दे दिया है खुदा, और इस आवाज को कोई शैतान का काम बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई शैतान का हथियार अपने ताकत को हमारे ऊपर और प्रबल नहीं कर पाएगा। मेरे खुदा, जितने हथियार शैतान ने इस घर को बिगाड़ने के लिए और कहीं से भी और भी कहीं कुछ भी कर रखा है, सब कुछ पिता परमेश्वर मैं नासरी यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, असफल हो जा, Get out in the name of Jesus Christ। पवित्र आत्मा के आग से पिता परमेश्वर वो सारे शैतान के शक्तियों के सारे कारनामे, I command be exposed in the name of Jesus Christ and die in the name of Jesus Christ। मेरे परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, यह घर परमेश्वर पिता तेरे उन्नति से जाना जाए, ये घर परमेश्वर तेरे वचन से जाना जाए, ये घर तेरे परमेश्वर पराक्रम के कामों से जाना जाए, ये घर परमेश्वर पिता तेरे वचनों के परमेश्वर ऊंचे रास्ते पिता चलने वाले लोगों से पिता जाना जाए। रबांति खम्बरो खुशकर खासी हांतु को बुस्सो अजीज किन बासिया खुम लगा रहा सा रदीन इखम्बरो खुल रहा अदान किन बिर खेलर मेरे पिता हमारे मनों को तैयार कर पिता, हमारे मन पिता अशुद्ध आत्माओं के घर ना बने खुदा, हमारी आंखों को फ्री कर, हमारे बॉडी को फ्री कर, हमारे हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल कर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हमारे अंदर बाहर तेरा उजियाला पिता परमेश्वर फिजिकली भी पिता परमेश्वर मैनिफेस्ट होता जाए। अब फादर गॉड, हमारे हर एक पिता परमेश्वर रास्ते जो पिता इस घर के अंदर जीने के तरीके हैं, हर एक पिता परमेश्वर तेरे बेस्ट वेज रहे खुदा। मेरे परमेश्वर, तेरे पिता परमेश्वर राइटियसनेस तेरे धार्मिकता के तरीकों में रहे खुदा। अब फादर गॉड, तेरे उजियाले के तरीकों में रहे खुदा। रबांतिका बरखासी आंखों बरखासी हांतु खूब ओसोल रहा सा, सब कुछ फिट एंड फिक्स कर और ईश्वरीय रचना में खुदा हमारा सारा जीवन तो लेकर आने की हम तुझसे विनती करते हैं पिता। सब कुछ स्थिरता में लेकर आ खुदा, सब कुछ जो अभी भी बाकी है खुदा परमेश्वर, जो तू हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है, हमें उन सारे रास्तों में अभी भी खुदा परमेश्वर हियाव दे, हमें और आगे जाने का परमेश्वर हमें हियाव दे खुदा, और वही हौसला, उससे ज्यादा हौसला हम में भर खुदा, जो हमने 2021 को पार करते हुए पाया, इससे ज्यादा हौसला हमें तू दे खुदा। हम पूरे विश्वास से तुझे धन्यवाद करते हैं, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा ही के द्वारा ये सब कुछ हमारे लिए संभव करके दे रहा है तू। कुछ भी जगह में तूने हमें ऐसा नहीं कहा कि नहीं यहाँ पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई ऐसी एरिया ऑफ लाइफ तूने नहीं रखी खुदा जहाँ पर पिता परमेश्वर तू पहुंचा नहीं रहेगा, ऐसा कोई हिस्सा हमारे जीवन में नहीं है खुदा जहाँ पे हमने पिता ऐसा पाया नहीं हो कि परमेश्वर वहाँ पहुंचा नहीं। अब फादर गॉड, हमने हर समय हर पल हर हिस्से में पिता हमने देखा कि तू पहुंच चुका हमारे लिए। रबांत इखबर खासी खतीन रबहा खासा रदेन इखम ओशकर खतीन रबांत आसियाल रबहा खासा, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, हम तेरा स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर, इस धन्यवाद के समय में हम तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हमारे समयों के अंदर का सुंदरता तू है परमेश्वर के आत्मा, हमारे समयों के अंदर का रूप तू है परमेश्वर के आत्मा, तूने हमको ये सब कुछ धन्यवाद करने वाला समय में दिया हुआ समय, ओ मेरे पवित्र आत्मा तू ही वो कारण है जो हम ये समय को पूरा कर पा रहे हैं। रबांत इखा लबहा अखासी ही
खिन बासिया लरहासा जदीन अखुम उश्कर खतीन इरा लब्बा खसी एकतीन इखतान इखो बरहा खतकिन बाशकर खतीन लागतीन इरा लब्बा अखसी खतकिन बाशा गितकिन बासी सिखेतीन इरा लरबा खसा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, विद थैंक यू आबा, विद थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, ना पल से ना ताकत से हमारा 2022 में हमने प्रवेश कर लिया है खुदा। अब फादर गॉड हम धन्यवाद करते हैं, ना कोई मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और ना कोई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ना कोई मौसम मेरे खुदा और ना कोई पिता परमेश्वर पलट जाने वाला कुछ भी हिस्सा। आबा फादर गॉड कुछ भी ऐसा परमेश्वर हमारे लिए अनजान नहीं है, सब कुछ के अंदर यीशु मसीह तेरा नाम हम रोप देते हैं और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आबा फादर गॉड सब कुछ के अंदर यीशु मसीह के लहू को हम रिलीज करते हैं, हर घड़ी हर प्रहर के अंदर नासरी यीशु मसीह का लहू हम रिलीज कर देते हैं। नासरी यीशु मसीह के लहू को हम 2022 को ब्लेस करते हैं। नासरी यीशु मसीह के लहू से हमारा रास्ता उजियाले से भर जाने की हम आज्ञा करते हैं। हमारा आने वाला समय, आने वाले महीने, आने वाले दिन, हर ठोकर हम उखाड़ कर फेंकने की सामर्थ्य मांगते हैं। हर एक पिता परमेश्वर वेस्टेजेस उखड़ जाए हमारे जीवन में से, हर एक प्रकार के भटका देने वाले काम खत्म हो जाए नासरी यीशु के नाम में। और मेरे खुदा परमेश्वर के फलदायी आशीषों से भरा हुआ ये समय खुदा हम स्वीकारते हैं। मेरे परमेश्वर जैसे वो पांच कुमारियों को तूने परमेश्वर जो तेल खत्म ना हुई और पिता परमेश्वर वो दूल्हा आया और दरवाजा खुलते ही उनको अंदर ले लिया गया, मेरे खुदा उन कुमारियों में पिता परमेश्वर हमारी गिनती होने वाले रास्ते हमको चला खुदा। रबांत इखबा रखा सी आखोबर रखा सी हाथ तुखो सो जदीन अकुम उश्कर खतीन रबांत अखा बरखासा रदीन एकम उला रहा हकतकिन बा असियाल रबाकासा। मेरे खुदा परमेश्वर जब इसराइली लोगों के ऊपर खुदा परमेश्वर बादल रहता था खुदा परमेश्वर तो वह रुके रहते थे, जब बादल हट जाता था तब वह आगे पिता परमेश्वर कूच करते थे। अब फादर गॉड ऐसे ही पिता हमें 2021 तक तूने लाया है खुदा, मेरे खुदा तू और आगे जाने का हमें 2022 का समय दिया है। अब फादर गॉड हम तेरे डायरेक्शंस को समझते जाए और पिता परमेश्वर हम जानते हैं खुदा परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन निकट है खुदा, हम लोगों को तैयार करने में जुट जाए खुदा और जितना पहले हमने काम ना किया हो उससे भी ज्यादा परमेश्वर हम अभी करना चाहते हैं खुदा। रबांत इखा बरखा सी अखत किन बराखा शराबा खासा रदीन इखम ओखतीन रबाखा सियान दुरा रदीन अखे बरखा सी हाथ खुन बरहासा लहद उल रखातीन रबाखा सी कत किन बरहासा। मेरे खुदा परमेश्वर कोई जाति कोई धर्म कोई भेद कोई भाव को हम ना डरे खुदा, हम सबको पिता सुसमाचार देने में आगे बढ़े खुदा, हम ये ना देखे खुदा परमेश्वर उनको ये सुनकर ठेस पहुंचेगी। अब फादर गॉड उनके मन को पिता हम सुरक्षित रखने की कोशिशें ना करें खुदा। अब फादर गॉड हम पिता विनती करते हैं कि हमारे अंदर की आवाज तू खोल खुदा परमेश्वर, हमारे अंदर के शब्दों को तू आजाद कर मेरे खुदा, ताकि हम परमेश्वर तेरे कामों को पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे खुदा, हम तेरे कामों को रुकने नहीं देंगे। हमें स्ट्रेटेजी बनाना सिखा खुदा, हमें अपने आत्मा के नरिशमेंट की स्ट्रेटेजी बनाने का परमेश्वर हमें सामर्थ्य अभिषेक कर खुदा। जब हमारे ऊपर खुदा परमेश्वर हमारी योजनाएं है खुदा परमेश्वर कि हमने अपने नरिशमेंट को पूरा करना है। अब फादर गॉड जो हमें पिता परमेश्वर पांच कुंवारियों की तरह तेल के साथ पिता तैयार रहना है, अब फादर गॉड वो तेल के तैयारी के हर एक मैनेजमेंट पिता मेंटेनेंस पिता हमारे अंदर से तो स्ट्रेटेजी दे खुदा, हमें वो स्ट्रैटेजी में चला खुदा कि हम नरिष्ट रहे हमेशा हमेशा पिता परमेश्वर, हम आत्मा में ज्वलंत रहे खुदा, हमें पिता फ्यूल रहे हमेशा पिता, हम पिता अपने अंदर से पिता उत्सुक रहे पिता उत्साहित रहे तेरे कामों के लिए खुदा। अब फादर गॉड हम तुझसे विनती करते हैं खुदा, हर प्रकार के पिता हमें ढीला कर देने वाले, हमें पिता परमेश्वर हमारे सारे दर्शन को ओझल कर देने वाले, हमारे सारे पिता दर्शन को रोक देने
देने वाले ऐसे पिता परमेश्वर, हर एक बातों को पार करके पिता हम फिर भी तेरे काम करते हुए आगे निकलने के लिए अभिषेक कर हमको खुदा। रबान तिखम्बरा ओष्कर खतीन रबान तरासा, मेरे खुदा परमेश्वर हमें अपने आप के आत्मिक उन्नति की मशागत करने वाला अनुभव दे, हमें अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं हमें अनुग्रह कर मेरे खुदा। रबान इखबरा खासी हाथ खुन बरा अकासी कैतकिन बसिया लरा रदीन इकब लोगो लखासी जेस्किन बसिया सुस कैतिन रबान सारा जिन ब उसकी इजगतकिन बशकर खतीन रबाह खासा, मेरे खुदा परमेश्वर पथरीली जमीनें हमारे अंदर से तोड़ दे खुदा, जहां वचन बैठ नहीं पा रहा है, हर एक पिता कंटीली जमीन पिता परमेश्वर, कंटीले उगे हुए पिता परमेश्वर, कोई भी झाड़ियां पिता उखाड़ दे हमारे जीवन में से पिता, जो तेरे वचन को बढ़ने नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे खुदा। मेरे परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं इस संसार की चिंताओं को हमारे अंदर से खत्म कर पिता, जो परमेश्वर तेरे भेद और तेरे रहस्य में हमको रुकने नहीं देते हैं। अब फादर गॉड रबान इखबर रहा किन बरखल का सेकत किन बरहासा, मेरे पिता परमेश्वर हमें एक्सपोज करके रखा हुआ अंधकार के जगत में वो सब बंद कर दे खुदा, जहां अंधकार हम पे मॉनिटरिंग करता है एक्सपोज करके उन सारी जगहों में से पिता परमेश्वर ऐसा भयानक आक्रमण कर कि वो सारा मॉनिटरिंग डिवाइसेस खत्म हो जाएगा और हमारे ऊपर परमेश्वर के रहम आ जाएगी। मेरे पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं हमारी प्राइवेसी पिता हमें दे खुदा, कि हम तुझ में समय लगा सके खुदा, हमें पिता परमेश्वर हमें अपना एकांत मन दे खुदा, जहां पर हम तुझ से एक मन हो सके खुदा, हमें पिता ऐसा परमेश्वर क्लोजेट दे खुदा परमेश्वर, जिसके अंदर पिता कोई और आंखें हमें देखने नहीं पाएगी खुदा। आप फादर गॉड जो शक्तियों की आंखें खुदा हमें ढूंढ सकती है, उसको इतना ज्यादा परमेश्वर तो हमसे दूर भगा दे कि वो दोबारा हम तक पहुंचने के लिए पिता उसके रास्ते बनेंगे नहीं पिता। आप फादर गॉड हमारे घर को कवर कर खुदा, जो रोड साइड से है पिता, जो पिता परमेश्वर गंदी आंखों को दिखने मत दे खुदा परमेश्वर, हमारी नग्नता वो देखने ना पाए, हमारे घर के अंदर का चकाचौंध या कोई भी परमेश्वर हमारे परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को देखने ना पाए खुदा। अब फादर गॉड सब कुछ के ऊपर तेरा पवित्र अभिषेक रख खुदा, खुदा परमेश्वर तेरी बरकत और तेरी सामर्थ हम पर रख खुदा। अब फादर गॉड तेरा पहरेदारी का स्वर्ग दूत हमें दे खुदा, अब फादर गॉड हमारे शत्रुओं की तरफ आंखें दिखाने वाले स्वर्ग दूतों को रिलीज कर मेरे खुदा। हम तुझसे विनती करते हैं खुदा, इस घर को जो भी पिता हमारे दरवाजे के सामने फेरा डाला जाता है, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो सारे पावर्स जो हमारे घर के सामने हमारे इर्द गिर्द में चीखे मारते, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी परमेश्वर पिता सोटे की आवाजों से पिता लगाए जाते हैं, वो सारे फटके मार, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे परमेश्वर आबा फादर गॉड, जो हथियार पिता हमारे विरोध में उठाया रखा है, जहां कहीं पर भी है, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबान दिखा बराखा सी इकत किन बराखा लरबाहा कासा, मेरे खुदा जहां कोई बर्तन जहां कोई चीजें छुपा के रखी है हमारे आने वाले समय के अंदर विपत्ति को आने के लिए, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबाखाती निराखा शराबाखा सी इकत किन बराहासा, जो कपड़ा पिता परमेश्वर हमारे घर के अंदर से कोई धूल मिट्टी कण लेकर या कोई परमेश्वर पिता कोई चीजें लेकर कहीं पर भी कोई भी करनिया करके रखा है, कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस। रबाखाती निराल रबाखा सी इकत किन बराहासा, मेरे परमेश्वर तूने कहा है कि जब तू पुकारेगा मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। मेरे पिता परमेश्वर हमारा जीवन जहां कहीं पर भी, जो कहीं पर भी पिता परमेश्वर कोई भी अवस्था में कहीं पर भी शत्रु के चपेट में, आई कमांड वो सारे कंट्रोल्स डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबान दिखा बराखा लरबा आखासी हिकत किन बराहासा, हमारे प्राइवेसी हमारे घर का पर्सनल
टच हमें दे खुदा, हमारे घर के अंदर के पर्सनल टच हमें दे खुदा परमेश्वर, हमारा व्यक्तिगत ऐसा परमेश्वर हमारा माहौल हमको दे खुदा, हमें जहां जहां कहीं कहीं से खुदा परमेश्वर खुला पर्दा फाश करके रखा गया है उन जगहों में से हमको छुड़ा खुदा परमेश्वर, हमारी बदनामियों को बचा ले खुदा परमेश्वर, हमें पिता बेइज्जत होने से बचा ले मेरे परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं अबा फादर गॉड, हमें तेरे कवरिंग में ले ले खुदा, हमें तेरे कवरिंग में ले ले अबा फादर गॉड, हमारा शरीर प्राण आत्मा हमारा सब कुछ तेरे कवरिंग में आ जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर मेरे पिता। रबान तिखा बराहा अश्कर खतीन रबान अखिल रबाहा कासा, हमारा सारा पिता परमेश्वर सारा उठना बैठना हमारे फाइनेंसेस रिश्ते सब कुछ यीशु मसीह तेरे कवरिंग में आने दे, तेरे कवरिंग में आने दे। हमारे नाम हमारे बर्थ डेट्स बर्थ ईयर्स हमारे सेलिब्रेशंस एवरीथिंग अबा फादर गॉड तेरे कवरिंग में लेकर आने दे खुदा। अबा फादर गॉड हमें तुझे तेरे कवरिंग में लेकर आने दे, हमें तेरे कवरिंग में प्राप्त होने दे खुदा। शाबिया खूब लगा रहा सियां खून बरहा सा, जैसे परमेश्वर मुर्गी के पंखों के नीचे उसके बच्चे छिपाए जाते हैं वैसा परमेश्वर तू हमको कवर कर मेरे खुदा, हमको कवर कर अबा फादर गॉड। हमें इर्द गिर्द में चारों ओर से पिता परमेश्वर हमारे सिर के ऊपर पैरों के नीचे चार दिशाओं में आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर हमें कवर कर मेरे खुदा। हम शत्रुओं के सामने पिता खुला पड़ा हुआ बर्तन ना रहे खुदा, हम पिता परमेश्वर कोई भी चोरी नाश घात करने वाले अवस्थाओं में खुदा तेरे दायरे के बाहर पड़े हुए ना रहे खुदा, हम कोई भी जगह में खुदा परमेश्वर ऐसा ना रहे खुदा परमेश्वर के शत्रु का पहुंच हम तक होता रहेगा। अब फादर गॉड हमें परमेश्वर तेरे कवरिंग में ले ले खुदा। रदीन एकम ओश्कर खतीन रबांत आसिया लरबा कासा, हमें तेरे कवरिंग में ले ले अबा फादर गॉड, हमें तेरे कवरिंग में ले ले यीशु मसीहा, हमें तेरे कवरिंग में ले ले प्रभु यीशु मसीहा, हमें तेरे कवरिंग में ले ले प्रभु यीशु मसीहा, हमें तेरे कवरिंग में ले ले पवित्र आत्मा, हमें तेरे कवरिंग में ले ले। सबिया खूब जगा रबा हासा, हमारा 2022 तेरे कवरिंग में ले ले परमेश्वर पिता। ओ अबा फादर गॉड हमें तेरे आज्ञा पालन के कवरिंग में ले ले अबा फादर गॉड, हमें तेरे हियाव के कवरिंग में ले ले पिता, हमें तेरे प्रेम तेरे न्याय तेरे सामर्थ के कवरिंग में ले ले पिता परमेश्वर। रबान दिखा बारा खासी एक तीन रबा का सा, हमें तेरी सहायता के कवरिंग में ले ले परमेश्वर। रदेन एक खबर रहा असे स्किन बा आसिया कुम रखा सा, हमें तेरे उज्याले के कवरिंग में ले ले खुदा, हमें तेरे रफ्यूज के कवरिंग में ले ले पिता, हमें तेरे ढाल के कवरिंग में ले ले परमेश्वर। रिदेन एक हम उखा ल रबा अखासी हिकत किन बा आसिया ल रबा का सा, हमें कवर कर मेरे खुदा, हमें कवर कर मेरे परमेश्वर। हमारे सारे महीने सारे दिन सारी अवस्थाएं पिता परमेश्वर, कल जो पिता परमेश्वर आखिरी दिन जो आने वाला समय सब कुछ मेरे खुदा तेरे कवरिंग में ले ले खुदा, हमें तेरे कवरिंग में ले ले खुदा, हमें तेरे कवरिंग में ले ले खुदा, हमें तेरे कवरिंग में ले ले परमेश्वर, हमें तेरे कवरिंग में ले ले पिता परमेश्वर, हमें तेरे कवरिंग में ले ले खुदा परमेश्वर। तेरे कवरिंग का असर हम पर हो खुदा, तेरे कवरिंग का असर हमारे अंदर दिखाई दे खुदा, तेरे कवरिंग के गवाहियां हमारे ऊपर रहे खुदा। रबान तिखा बार अश्कर खतीन रबान तखासी है के लरबासा, ना बल से ना ताकत से पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हमें कवर कर पिता, हमें कवर कर अबा फादर गॉड, हमें कवर कर यहोवा परमेश्वर, हमें कवर कर पिता। हर घड़ी हर प्रहर हर महीना हर मौसम हम कवरिंग मांग रहे खुदा, अबा फादर गॉड हम कवरिंग को मांग रहे खुदा। हमें पिता जो भी खाने पीने में शैतान के कामों के द्वारा पिता छल किया गया, शैतानी आत्माओं के द्वारा छल किया गया, वो हमारे साथ और एक बार ना रहे खुदा। अबा फादर गॉड जो कुछ भी परमेश्वर पिता शैतान की ओर से पिता हमारे जीवन को पिता छुआ गया है, वो कुछ भी हमारे साथ और आगे आने ना पाए मेरे पिता। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में खुदा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तेरी ओर से होना चाहिए वो हम में होता रहे, जो तेरी ओर से नहीं है वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जाए खुदा। कोई भी पिता झूठ फर्रेब पिता परमेश्वर, जो धोखा परमेश्वर, जो अपने आप को भेड़ के खाल में भेड़िया है
अबा फादर गॉड, लेकिन हमारे दोस्त बने बैठे, हमारे रिश्ते बने बैठे, अबा फादर गॉड वो सब कुछ पिता उखाड़ दे हमारे जीवन के, बाहर निकाल दे खुदा। अबा फादर गॉड हमें शुद्ध मन दे, हमें पवित्र मन दे खुदा, हमें अच्छी संगति दे, हमें अच्छे रिश्ते दे खुदा, हमें अच्छे लोग दे खुदा परमेश्वर, जो हमें ब्लेस करे, हमें उन्नति की तरफ लेकर जा सके खुदा हमारे, और पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह के साथ चला सके, हमें ऐसे लोगों के संगति में उठा और बैठा खुदा, जहां पर परमेश्वर हमें तसल्ली मिलेगी खुदा और हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। अब फादर गॉड हमें ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप करा खुदा, जो हमारे लिए पिता परमेश्वर स्टैंड बाय होकर खड़े हो सके। अब फादर गॉड जहां जरूरत पड़े खुदा, वो हमारे लिए खुदा परमेश्वर अपने रास्ते छोड़कर पिता अपना समय दे पाएंगे, अपने सारी परमेश्वर सामर्थ के साथ पिता हमारे लिए स्टैंड बाय हो सकेंगे। अब फादर गॉड ऐसे हस्तियां हमें दे खुदा परमेश्वर, रबान तिखा बरखा सिहा खूब रहा सा और रिदा नमकासी अजेज किन बाश्कर खतीन रबांत अखासी हतकुन बरहासा। मेरे परमेश्वर पिता हम बिनती करते हैं खुदा परमेश्वर, जो रास्ते पिता हम नहीं चल सकते हैं, जो रास्ते पिता कठिन लगेंगे, जहां पर पिता परमेश्वर जहां कोई भी हिस्सा परमेश्वर हमारे जीवन को पिता परमेश्वर हम नया मानते हैं और नहीं समझ में आता है उसके पार कैसे जाना है, हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे खुदा। तूने कहा जिसके पास ज्ञान की कमी है वो मांगे और उनको मैं बिना शर्मिंदा किए दूंगा। पिता परमेश्वर हम आपसे उस समयों के लिए ज्ञान मांगते हैं जो समय नए है पिता, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है खुदा, जो पिता परमेश्वर हर पल हर समय खुदा, जो पिता परमेश्वर जिसके बारे में कोई चर्चाएं नहीं है खुदा, लेकिन हमको उसके अंदर से पार होकर जाना है। अबा फादर गॉड तेरे ज्ञान बुद्धि समझ हमारे अंदर मांगते हैं। अबा फादर गॉड हम पिता अपने साथ साथ अपने लोगों को भी पार लेकर जाने वाला अनुग्रह मांगते हैं। अबा फादर गॉड, अबा फादर गॉड हम अनुग्रह मांगते हैं कि आपके लोगों को भी पिता परमेश्वर हम आगे लेकर जाने में सहायता हो सके पिता, आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर हम आप ही के द्वारा परमेश्वर आपके सामर्थ्य अनुग्रह अभिषेक के द्वारा पिता हम सहायता बन सके, स्टैंड बाय बन सके खुदा, हम उनके लिए स्टैंड बाय बन सके खुदा। अब फादर गॉड हमारे सारे सब कुछ के साथ हम उनके लिए स्टैंड बाय बन सके खुदा। अब फादर गॉड रबान तिखा बरखा शखत किन बरखा सिहात कुन बासील रबासा। मेरे खुदा परमेश्वर हम आपके अलावा इस पृथ्वी के ऊपर कोई स्टैंड बाय नहीं पाए है खुदा, हमें कोई मनुष्य की ओर से पिता स्टैंड बाय होना पिता परमेश्वर मालूम नहीं है खुदा। अब फादर गॉड इस आने वाले समय के लिए हमें स्टैंड बाय दे खुदा परमेश्वर, और जैसा तू चाहता है वैसे प्रकार से तू हमारी परमेश्वर हमारी देखभाल कर खुदा परमेश्वर, हमारे हर हिस्से में फिजिकली सोल स्पिरिचुअली इमोशनली हर एक हिस्से में खुदा तू अपनी ताकत को रख के हमारी देखभाल कर पिता, हम तुझ पर निर्भर हो जाते हैं खुदा, हम तुझ पर टेक लेते हैं खुदा कि तू हमारी सहायता, तू हमारी स्टैंड बाय है और तू हमारी कुवत है, तू हमारी काबिलियत है, तू हमारी योजना में है खुदा, तू हमारे जीवन के अंदर है खुदा, तू हमारे सब में सब कुछ में है खुदा, हम सब कुछ के अंदर तुझे प्राप्त कर चुके हुए लोग है खुदा। इसके लिए पिता जो कोई पिता हमारे लिए एक ग्लास पानी पिता हमें तसल्ली के लिए भी देगा खुदा, मेरे पिता मसीह जानते हुए वो अपना रिवॉर्ड नहीं खोएगा खुदा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लोगों के अंदर तो अपने आत्मा को भेज खुदा, उनके अंदर के हृदय परमेश्वर पिता हमारे लिए फेवर करे, हमें पिता तेरे दया और अनुग्रह के साथ आगे का समय दे दे। अब फादर गॉड रबांत इखब अश्कर खतीन रबांत इखेम ओश्कर खतीन रबांत आखासा, हमारे आत्मिक जीवन को करप्ट ना कर पाएंगे ऐसे प्रकार के पिता योद्धा प्रार्थना के योद्धाओं को पिता तो स्मरण दिला हमारा परमेश्वर। रबान दिखा बास्केल रबान आश्कर खतीन रबान एके बोसाल रबाह कसा अजेज किन बा आश्कर खतीन रबान आसाल रबाहसा रदीन एकम ओश्कर खतीन रबान आसियाल रबाहसा। जटिल समयों के पार होने के लिए पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत वचनों की बरसात हम में होते रहने दे खुदा, ताकि हमारा हृदय तेरे वचनों के ऊपर ठहरा रहेगा और हम पार होते हुए थकेंगे नहीं पिता। रबान दिखा बा अश्कर खतीन रबान दखा सिखे लर बहा का सा
रदीन अखम ओश्कर खतीन रबा आसे अजीज किन बासी हल रबा खसा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, कोई ऐसी एरिया ऑफ लाइफ हम नहीं देख रहे जहां तू मौजूद नहीं है खुदा, कोई ऐसा हिस्सा हमने देखा नहीं है खुदा जहां तूने हमें टच ना किया हो, जहां तूने हमें हियाव दिया ना हो, जहां तूने हमें अपने आप को प्रकट करके दिया ना हो। सब कुछ में तू मौजूद है खुदा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एंड वी थैंक यू अबा फादर गॉड, हमारे सारे हर एक अवस्थाओं के अंदर तू मौजूद है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं अबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं अबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं। जिबे खतीन इरा लब्बा खसी जरे बेखसी इजस्किन ब आसिया हसखुल बरा आसियान तुरा रदीन इकम लोगो रोहा सियात कुन ब आशकर खतीन रबा हसा जह जी को ओबो खसो हो जोजकिन ब आसी हसकुन ब आसा जदकिन ब आशकर खसी हिस्से से न महसा लहज खतीन इरा लब्बा खसी कतकिन ब आसिया हसकुन ब आसा लहद उन लम्मा हसा कतीन रबा आकासा जहजो उजोज गो उबस्किन ब आसके स्कूल बरहासा जहद उल आहसी हत कुन ब अशकर खतीन रबाद आसा। धन्यवाद करते हैं पिता, ना बल से ना ताकत से पर परमेश्वर तेरे आत्मा ही के द्वारा सब कुछ तूने हमारे लिए संभव करके दिया। वी थैंक यू आबा, वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यहोवा, धन्यवाद करते हैं यहोवे परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के आग का परमेश्वर हम पर उंडेला जाने दे खुदा, ऐसा उंडेल दे खुदा जो तेरी ओर से नहीं है वो सब कुछ भस्म हो जाए और जो तेरी ओर से है वो बना रहे। ऐसा तेरा अभिषेक आग का दे खुदा परमेश्वर, जो तेरी ओर से नहीं है खुदा सब कुछ जल के डिस्ट्रॉय हो जाए। हर एक मिसफॉर्चून, हर एक बीमारियों के लक्षण, हर एक प्रकार के पिता गरीबी, हर एक प्रकार के दुचित्ता मन, हर एक प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार के पिता परमेश्वर बदनामियां, हर प्रकार के पिता फेलियर्स, हर प्रकार का परमेश्वर नेगेटिविटी, सब कुछ इस प्रकार से खतरनाक जल के भस्म कर दे खुदा कि दोबारा उसकी उत्पत्ति होने ना पाए हमारे जीवन में। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारे अंदर तेरा अधिकार है खुदा, तेरे बीज को उपज हमारे अंदर पिता, तेरे पवित्रता के, तेरे धर्म, तेरे प्रेम, तेरे न्याय, तेरे सच्चाई के बीज, तेरे दया करुणा के बीज हम में उगा खुदा और इतना ज्यादा हमें फलवंत कर खुदा परमेश्वर कि तेरे फल देते देते हम ना थके खुदा। नासरी यीशु मसीह के नाम में खुदा हम तेरे अभिषेक के तेल में भरपूर होते रहे खुदा, हमें ऐसे ऐसे स्ट्रेटजीज दे खुदा कि हम अपने अभिषेक को खोने ना पाए, हमारे अंदर के तेल कमी ना होने पाए। अब फादर गॉड हमारे जुबान के ऊपर ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर कि हमारी जुबान जो पवित्र आत्मा चाहता है वही तक बोले और उससे आगे ना जाए खुदा। हमारे अंदर इतनी गहरी शांति दे खुदा परमेश्वर कि हर एक विरोध को हम तेरे शांति के हथियार से पार कर पाएंगे। अब फादर गॉड हर एक एरिया ऑफ लाइफ में हम तुझे मांगते हैं खुदा, तू बढ़े और हम घटे। नासरी यीशु मसीह के में बिनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू आबा फादर गॉड। रिदान इकम लोगो रहुसो रदीन इकम लगा रहा अजास्किन बा अशकर खतीन रबांत आसील रबाहकसा अजिस्किन बा अशकर खतीन रबांत आसील लरबाहसा रदेन अखम ब उकश कर खासी हालर बहा कासा अजेज किन ब अस की आम बरो खुश कर खासियां खुल बरा अखस किन तो ओल रहा सा जाइज किन ब उश कर खातीन रदान रिगान रुबो उखत किन ब अखल कन द रहा सा लहद उल आह से हिकत किन ब अश कर खातीन रुबान दखा से जहेज किन ब असे सिखे तीन रबहा अखासी हिकत किन ब आसा जहेज जी को ब उखत किन ब अश कर खातीन रुबान असे लरबहा कासा अहत किन ब अश कर खातीन रुबान आह खबर उकुम ओसी लरबहासा रदान इखम ओखान खिन बर अखल लरबहा का सियांत खोबोसो लहद उहल लरहा हसे स्किन बा अशकर का सियां जुरा। नासरी यीशु मसीह के नाम में ये सारी बिनती प्रार्थनाओं को करते हैं, सुन और कबूल कर पिता और हमारे धन्यवाद बलिदान को स्वीकार करने की हम आपसे बिनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद बलिदान के साथ प्रार्थनाओं को करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू आबा। रिबांति खेबर रखे लर बहा अखासी हिकत किन बा आसिया लरहा रदीन इकम रोको लरहा अजेस किन बा आसिया हास कुन बरहा सा
यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।